युग ऋषि ने 3200 पुस्तकें लिखी है, उसमें 108 वांग्मय भी लिखे हैं। आपके घर पे भी वांग्मय होगा। खंड नंबर 57, उसका नाम है मनस्विता, प्रखरता और तेजस्विता। ये खंड इतना मार्मिक है और इतना अद्भुत है, यदि इसका स्वाध्याय इन दिनों आप करेंगे तो मान करके चलना कि आपके अंदर के जितने प्रश्न है उनका उत्तर वो दे देगा। तो ये वांग्मय खंड गुरुदेव का, जिसका मैं प्रश्न क्रमांक 10.26 प्रश्न के ऊपर वर्तमान समय के लिए एक बात लिखी गुरुदेव ने, ये लिखी कि विपत्ति से डरिए मत, भागिए मत, डटकर उससे आप मुकाबला कीजिए। मतलब उन्होंने आज के समय में जो कुछ हम सुन रहे हैं या जो हमारे आसपास देश दुनिया विश्व में घटित हो रहा है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, चाहे प्रकृति की उतल पुतल हो, चाहे राजनीति की उतल पुतल हो, चाहे इतना प्रकार का कोविड के कारण विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक और असामायिक घटनाएं जो हमको देखने सुनने को सहन करने को जो मिल रही है, ऐसी परिस्थिति में भी हम अपने उत्साह के साथ, उमंग के साथ अपने वर्तमान की लड़ाई को कैसे लड़ सकते हैं। और भाइयों बहनों, ठीक भी है, लड़ना हमें ही पड़ेगा। और जब भी कोई प्रतिकूलताएं आती है, जब भी कोई झंझावात आते हैं, जब भी कोई विपरीत परिस्थितियां आती है, वो व्यक्ति को तपाने के लिए आती है। देखो, तपने के बाद और चोट खाने के बाद लोहा फौलादी हो जाता है, सोना तपने के बाद कुंदन बन जाता है, बीज गलने के बाद वृक्ष बन जाता है, और छोटे मोटे पहलवान बार बार ठोकरे खा करके, बार बार दुर्बलताओं के उलाहने खा करके, बार बार पराजित होकर के महाबली पराक्रमी बन जाते हैं। ये मान करके चलना कि रगड़ खा करके हीरा चमकता है और घस करके पत्थर शिवलिंग बनते हैं, प्रतिमाएं बनती है, ते मान करके चलो कि ये जो समय चल रहा है यह हमारी कई गलाई ढलाई रगड़ाई और चमक का चल रहा है। ये मान करके चलना कि कुछ पत्थर के हिस्से टूट फूट करके अलग हो जाते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व, उसकी मूल चेतना कभी समाप्त नहीं होती है। तो हमारी जो मूल चेतना है उसकी तरफ हमें प्रेरित होना चाहिए, वो है आत्म चेतना, वह हमारा प्राणमय चेतना। हम अक्सर बोलते भी यही है, बोले उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण अंत हो गया, वो चल बसा। हाँ, बसे तो है भाई, चले हमारे बीच से गए हैं। ये मरना शब्द तो बहुत छोटा शब्द हम बोलते हैं, और जब हम बसते ही हैं तो इसको एक शब्द में यूं भी मान लीजिए, मृत्यु का दूसरा नाम है अगले जन्म की तैयारी करना, मृत्यु का दूसरा नाम है अपनी अगली विभूति की ओर अपने आप को अनुसंधान में प्रेरित करना। ये शरीर की यात्रा है एक प्रयोगशाला के रूप में। अब इसमें कोई कुछ बन गया है, कोई धर्माचार्य बन गया, कोई राजनीतिक बन गया, कोई शिक्षक बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई लेक्चरर बन गया, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, उद्योगपति, प्रोफेसर, हम जो भी कुछ बने हैं ना, इसके पहले एक चीज हमारे अंदर बनना है कि हमें अपने अंदर की प्राण शक्ति को और विचार शक्ति को पूरे आत्मविश्वास के साथ वर्णन करना चाहिए कि मैं मात्र शरीर नहीं हूं, मैं विचार हूं, और पूरी मनोनिग्रह की ताकत के साथ अपने मन को, अपने विचारों की भगदड़ को अपने केंद्र में हमेशा रखना चाहिए। केंद्र से भटका, भय और भ्रम में भटक जाएगा आदमी। तो प्रतिकूलताएं जब भी आती है तो हमें घड़ने के लिए आती है, चुनौतियां जब भी आती है हमारा निर्माण करने के लिए आती है, हमारी प्रसुप्त कला को, हमारे प्रसुप्त ज्ञान को, हमारी प्रसुप्त विभूतियों को और धरती के प्रसुप्त अनुसंधान और प्रसुप्त साधनों का जागरण करने के लिए आती है। देख लीजिए, लाखों करोड़ों लोग इस समय भी चैन से नहीं बैठे हुए हैं। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किनके लिए करना चाहिए, हम जो कुछ करना चाहते हैं उसको इसी धराधाम के ऊपर प्रतिकूल परिस्थितियों में करके हम अपना एक कदम इस विषम परिस्थितियों में भी चल करके
अपने आप का महत्व सिद्ध कर सकते हैं, अपने आने का कारण सिद्ध कर सकते हैं, अपने रहने का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। हाँ, पेट और प्रजनन के लिए तो असंख्य योनियां थी। ये जितने जल के थल के गगन के जीव है ना, पेट भरना, बच्चा पैदा करना, अपने परिवार तक सीमित जीना, ये भी एक यात्रा है, ये पशु प्रवृत्ति की यात्रा है। युग ऋषि लिखते हैं कि जब तक मनुष्य अपनी यात्रा को देवोपम, अपनी यात्रा को महामानव की यात्रा, अपनी यात्रा को एक सृजनशील व्यक्तित्व की यात्रा, एक व्रतशील व्यक्तित्व की यात्रा नहीं बनाता है, जब तक ये यात्रा उसके लिए केवल एक मलमूत्र का बोझ उठाने जैसी, ये पंचभौतिक काया की एक पशु प्रवृत्ति की यात्रा है। पेट और प्रजनन कोई बड़ी यात्रा नहीं है, इससे ऊपर उठना है। और पेट और प्रजनन के रिश्तों की चिंता करके जीना और मरना, ये भी एक बहुत बड़ी हमारी नादानी है। मानवीय चेतना ये नहीं कहती है कि हम मात्र जो अपने परिवार के इर्द गिर्द रह रहे हैं, इसी को हम कुटुंब मान ले, इसी को अपना मान ले। भाइयों बहनों, ये समय चल रहा है विश्व परिवार का, ये समय चल रहा है मानव मात्र का, ये समय चल रहा है व्यक्ति को व्यक्तियों के समूह के कल्याण के लिए जीने का समय चल रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि हम अपनी मन स्थिति को इस विषम परिस्थितियों में जीने के लिए डट करके हम पूरे आत्मविश्वास के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और आप आश्चर्य करेंगे, शरीर जब अवसाद में, निराशा में, एकांत में, अपने आप के उपार्जन की, जो आपने अभी दो ही चीजों की लड़ाई हो रही है, एक तो विपत्ति है और एक संपत्ति है। तो विपत्ति तो पूरे विश्व से दसों दिशाओं से सुनने को मिल रही है, चाहे वो अस्पतालों की हो, चाहे मैनेजमेंट की हो, चाहे राजतंत्र की हो, चाहे हर आदमी अपने अपने क्षेत्र में इस विपत्ति काल को कोई न किसी न किसी रूप में यादगार बनाना चाहता है, कोई इसको भुनाना चाहता है, कोई इसमें सेवा करना चाहता है, कोई इसमें बनना चाहता है, कोई इसमें मिटना चाहता है, और कोई इसमें खपना चाहता है, और कुछ देना चाहता है, कोई लेना चाहता है। जिसके जैसी मनोवृत्ति और मनोदशा है, उस दिशा में आदमी कुछ कर रहा है। लेकिन आप ऐसा मत मानना कि सब लोग बुरे हो सकते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग वो अच्छे लोग हैं जो ऐसे समय में इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से आपके जीवन के उस महान लक्ष्य तक आपको ले जाने का आत्मबल और साहस भी दे रहे हैं। हमारा युवा प्रकोष्ठ देश विदेश के कोने कोने में पंच महाअभियान के माध्यम से कई रचनात्मक कार्य कर रहा है, अच्छी सोच वाले युवाओं को जोड़ रहा है, और नंगी पहाड़ियों पर वृक्षारोपण कर रहा है, भटके बच्चों को बाल संस्कार शाला के माध्यम से जोड़ रहा है। इतना ही नहीं, मानवीय चेतना के पुरुषार्थ को महाविनाश से बचाने के लिए वेशन फैशन से बचा करके उनके साधन और प्रतिभा को राष्ट्र सजन और युग निर्माण में लगा रहा है। ये कोई छोटा मोटा समाचार नहीं है, ये कहां से आया? युग ऋषि की एक बहुत बड़ी सोच थी कि मुझे मानवीय चेतना को महाविनाश से बचाने के लिए काम करना है। जब पूरे विश्व के लोग महाविनाश महाविनाश की बात कहते हैं, जब वो महापुरुष कहता है अच्छे और भली सोच रखो, महाविकास आएगा, महासृजन आएगा, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य आएगा, तो हम बुरे दिन की, बुरे समय की कभी हम न तो कल्पना करते हैं और ना ऐसी सोच में हम जीते हैं। हम स्वर्ग की सोच में जीते हैं, सुंदर दुनिया की सोच में जीते हैं। यदि भगवान का, परब्रह्म का महावाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम, और मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, तो हम विनाश की कल्पना करें क्यों? हम तो जो कुछ लोग हैं उनको साथ लेकर के महासृजन का काम करते हैं। तो आइए, ये बनेगा कैसा, एक दो मिनट के इस अद्भुत क्रिया के माध्यम से हम सीखते हैं, और यह दो मिनट की क्रिया है सांभवी मुद्रा की क्रिया। भाइयों बहनों, ये सांभवी मुद्रा यदि आपने सीख लिया तो पंच तत्वों की काया रिष्ट पुष्ट बनेगी और हमारी ब्रह्म नाड़ी, विष्णु नाड़ी और रुद्र नाड़ी का जागरण होगा। गायत्री महाविज्ञान में और गायत्री गुहा विज्ञान में, और खंड नंबर 7 प्रसुप्ति से जागृति की ओर, जिसमें चांद्रान तपस्या का और प्राण प्रत्यावर्तन तपस्या का जो महाअभियान देवात्मा हिमालय से गुरुदेव लेकर के आए थे, और उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क को एक नए जीवन के निर्माण की शक्ति दी थी, वो शक्ति आपको भी प्राप्त होगी इस सांभवी मुद्रा के द्वारा। और यदि आप शक्ति संपन्न अंदर से हैं
तो आप कभी भी अपने आप से न मन से टूटना है, न विचारों से हारना है और न परिस्थितियों से थकना है। देखिए इसे कहते हैं वीरासन, वीर आसन। हनुमान जी महाराज का यह आसन है, जैसे हनुमान जी महाराज ने अपने पूरे तपोबल से, अपने पूरे प्राण बल से, अपने पूरे बुद्धि बल से, अपने पूरे बाहुबल से, अपनी पूरी सेना और विचार शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी थे, ऐसा ही अखिल विश्व गायत्री परिवार का हमारा युवा प्रकोष्ठ करोड़ों करोड़ों युवाओं को, भाई बहनों को आह्वान करता है। इस लड़ाई को हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे, जीतेंगे और उज्जवल भविष्य की यात्रा इसी राष्ट्र पर हम महासृजन की तैयारी करेंगे। भाइयों बहनों, ये दोनों हाथ को कहते हैं ज्ञान मुद्रा की स्थिति। देख लीजिए ज्ञान मुद्रा, अंगूठा तर्जनी मिला दीजिए और इस स्थिति में आप बैठ जाइए। बैठ गए, अब धीरे से अपने नेत्रों को खोलकर स्वयं की नासिका के अग्रभाग को देखिए, देखते रहिए। अब श्वास लेते जाइए, ऊपर की भौहों को देखिए, श्वास छोड़ते जाइए, धीरे धीरे पलकों को बंद करते जाइए। पुनः नासिका के अग्रभाग को देखें, श्वास लेते जाए, श्वास छोड़ते जाए। नासिका के अग्रभाग को देखो, सांभवी मुद्रा में आपकी अज्ञात चक्र की जागृति होती है, ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म नाड़ी, विष्णु नाड़ी और रुद्र नाड़ी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का मंथन मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक होता है। आप केवल रिलैक्स होकर स्वयं की नाक के अग्रभाग को देखो, श्वास लेते हुए ऊपर पलके खोलो, ऊपर के भौह को अज्ञात चक्र को देखो, श्वास छोड़ते हुए पलके धीरे धीरे बंद करेंगे, पलक पर पलक, आंखें रिलैक्स। मेरे साथ करेंगे एक बार, अज्ञात चक्र पर अपने राइट हैंड दाहिने हाथ की हथेली रखेंगे, गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ओम का नाद करेंगे। भामरी प्राणायाम करेंगे, ब्लड प्रेशर संतुलित होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, महाप्रज्ञा का अवतरण हमारे मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र में होगा। बहुत ही ऊंचा प्राणायाम है, देखो ऐसे उंगलियों को मिला लो, ये चंद्र सूर्य नाड़ी, ये अज्ञात चक्र की जहाँ बहु प्रारंभ होती है, ये अंगूठा, ये कान के ढक्कन को ऐसे बंद करेंगे, पांच बार ओम के नाद के साथ भामरी प्राणायाम। दोनों हाथ गोद में रखें, कमर पीठ गर्दन सीधा, आंखें कोमलता से बंद कर लें, सब ओर से ध्यान मन हटा दें, अंतरनाद श्रवण करें 10 सेकंड।
साधकों, एक अद्भुत क्रिया इस कोविड की लड़ाई में आपको हम सिखाने जा रहे हैं। पेट के बल लेट जाइए और ये प्राण शरीर को बढ़ाने के लिए ये दोनों हाथ ऐसे पीछे बांध लीजिए और सांस खींचिए 10 बार। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, लंग्स फेफड़े पसलियों को डिटॉक्सिक किया आपने, बैठ जाइए। अब देखेंगे यह है गौमुख आसन, ऐसे बैठेंगे, ये गाय के मुंह की तरह आकृति बन गई। ऐसे हरने अपेंडिस तो ठीक होता ही है, बहनों को गर्भाशय संबंधित, भाइयों को प्रोस्टेट संबंधित रोग में आराम मिलता है। अभी दोनों हाथों को ऐसे बांध लीजिए ऐसे, और अब यहाँ फेफड़ों को बाई तरफ से डिटॉक्सिक करेंगे 25 बार भस्त्रिका प्राणायाम। जोर जोर से सांस खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, भस्त्रिका प्राणायाम प्रारंभ। अब पैर बदल लो, अभी हाथ को वापस ऐसे करो, सीधा हाथ ऊपर, अब दोनों हाथ ऐसे बांध लो और फिर सेंटर में रखो। अब तेज गति में यहां पर करो सुषुम्ना नाड़ी के लिए, पहले चंद्र नाड़ी शुद्ध किया, फिर सूर्य नाड़ी शुद्ध किया, अब सुषुम्ना प्राण को। दोनों हाथ गोद में, शरीर ढीला, दोनों हथेलियों को मसाज करें। भाइयों बहनों, हमारा ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान, इसके निर्देशक, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और सब हम करोड़ों करोड़ों युवा प्रकोष्ठ के युवा भाई बहनों के सतत मार्गदर्शन और प्रेरणा देने वाले परम सदय डॉक्टर साहब, परम सदय जी और प्रतिकुल पौधी महोदय, परम आदरणीय सदय श्री डॉक्टर चिन्मय जी, आप लोगों का सतत अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से हम सब लोगों को ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की जो उपलब्धियां हैं वो प्रकाशित होती रहती है, और उसमें प्रज्ञा योग, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के वैज्ञानिक प्रतिपादन के साथ हमारे शरीर के आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कैसे करना, बड़े हृदय की गहराइयों से आपके प्रति हम कृतज्ञ हैं कि आप लोगों ने हमको यह रास्ता दिखाया और आज हम करोड़ों युवा इस भारत के ही नहीं विश्व के 80 देशों के आप श्री के मार्गदर्शन में हम नए युग के, नए राष्ट्र के महासृजन के अनुष्ठान में युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के संरक्षण प्रेरणा में हमारा मध्य प्रदेश का युवा प्रकोष्ठ सतत और नियमित रूप से विश्व मानवता के सृजन कार्य के लिए नई नई योजनाएं, नए नए कार्य पद्धतियों के साथ अपने प्रचंड अखंड पुरुषार्थ में लगा है। उन सभी युवाओं को मैं हृदय से नमन करता हूँ जिनका सौभाग्य है कि वो अपनी जवानी को, अपनी रवानी को, राष्ट्र को सृजन और नई चेतना सत्यम स्वयं सुंदरम बनाने में लगे हुए हैं। भाई मनोज जी, भाई वरुण जी, भाई पंकज जी, इन तीनों भैया लोगों को जिन्होंने जूम के माध्यम से इस लाइव प्रसारण को आप तक पहुंचाया। अब हम कल के अद्भुत क्रियाएं संपन्न करेंगे, 2 मिनट के लिए शांति पाठ होगा और ये भावना करेंगे कि हमारा रोम रोम, कण कण, अखंड दीपक सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के साथ प्रतिपल वहां के प्राणमय कोष से जुड़ा हुआ है। मैं तो 24 घंटे प्रति क्षण प्रतिपल यह अनुभव करता हूं, दिन रात सुबह से शाम तक सैकड़ों नहीं हजारों भाई बहनों की खबरें किसी न किसी रूप में आती है, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, श्रद्धांजलि देना है, वहां ले जाना है, वहां जगह नहीं है, वहां ऐसा नहीं है, ये सारा का सारा एक लीला चल रही है, सारा का सारा कर्तव्यों का एक खेल चल रहा है, सारे के सारे पुरुषार्थ की एक चुनौतियां चल रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो समय के साथ सबको अपना जवाब देना है। जिंदगी एक प्रश्न है, मृत्यु उसका है, जिंदगी एक कहानी है, हमें अपनी एक कहानी लिखना है, और हमारी कहानी जब भी लोग कोई पढ़े
इस रूप में पढ़े कि गायत्री परिवार के करोड़ों करोड़ों भाई बहनों ने पीड़ित मानवता के लिए विचार क्रांति अभियान चलाया, अपने अड़ोस पड़ोस लोगों को विभिन्न प्रकार के क्वात कार्डों से, प्रज्ञा योग से, प्रज्ञा पे से, प्राणाकर्षण प्राणायाम से और स्वस्थ शरीर को मजबूत करने के साथ मानसिक शरीर को और आत्मिक शरीर को विकसित करने की महाविद्याएं सिखाई। दोनों हाथ गोद में रख लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें, सब ओर से ध्यान मन हटा लें और भावना करें, जल में थल में गगन में शांति हो, हूत आत्माओं को सदगति शांति मिले, परिवार परिजनों को धैर्य मिले, अपने से बिछुड़ने वालों का कहीं स्थूल दुख हमें भी उतना ही है जितना किसी परिजन और परिवार के लोगों को होगा, क्योंकि आज विश्व परिवार का घटक है गायत्री परिवार। तो परम सद्या सेल दीदी जब भी उठती है सुबह तो भगवान महाकाल को सूर्य को अर्घ्य दे करके यही मंगल कामना करती है कि भगवान बहुत हो गया, अब इसको विराम देना और जो विश्व मानवता के परिजन हूत हो रहे हैं उनके आत्मा को युग तीर्थ हृदय से श्रद्धांजलि तो देता ही है, गंगा जल से अर्घ्य तो तर्पण देता ही है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता है कि ये सब कुछ थमेगा और सृजन का महाकाल का यह तांडव अपनी चेतना को नव सृजन में पुनः परिणित करेगा। हम सब लोग आशाविंत रहें और इसी मंगल कामना के साथ शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।